का लास्ट डे है, क्यों ना मैं अपना बैग पैक कर लूँ। मेरी मामा ने बोला है कि आज आप बैग पैक कर लो अपना, तो ये ना मेरा नया बैग है, मेरी मामा लेके आई थी। और अब हम लोग अपनी दो डायरियाँ रखते हैं इधर, फिर ये बहुत सारी कॉपीज हैं। अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाऊंगा। अब मैं अपनी बुक्स रख लेता हूँ। ये तीन मेरी उर्दू की बुक्स हैं, एक बुलबुल, एक मेरी दोस्त और एक और बुलबुल है। दो थ्री मैथ्स की बुक, वन माय Environment study and to get writing blue book. अरे जा चीनी जी बैग के अंदर चली। मैथ की बुक। फ्रेंड्स, क्या आपने आपने अपना बैग सेट कर लिया है? प्लीज कमेंट करके बताएं। आइए मेरे पाउच की बारी। मैंने अपनी मामा से लिए टू पेंसिल, वन इरेजर, वन शार्पनर एंड वन ब्लू कलर। ब्लू कलर भी तो चाहिए होता है ना। पाउच है जो कि बैटमैन वाला है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने मामा से बोल के ले लिया। इसमें चला गया। अरे ये बुक्स तो बाहर ही रहेगी, इनको हम लोग ये सब मेरी स्टोरी बुक्स है। आप लोगों के बैकपैक में इतनी सारी बुक्स है, मैंने तो अपना बैकपैक कर लिया और ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। फ्रेंड्स, तो आज हमारे लंच में है आलू के पराठे और मूली के पराठे, और ये पराठे जो हैं हमारे घर के लिए मेरी मामा पकाएंगी। रात के खाने में बनाया है मेरी मामा ने कीमा सालन। कीमा तो बहुत अच्छा लग रहा है, रात में मैं ज़रूर खाऊंगी कीमा। आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे कीमा बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड, मेरी मामा बहुत मज़े के पराठे बनाती हैं और मुझे सिर्फ उनके हाथ के ही पराठे अच्छे लगते हैं। फ्रेंड, मैं और मेरे भाई खाते हैं आलू के और बाकी सारे घर वाले खाते हैं मूली के। पराठे ठंडी ठंडी दही के साथ। फ्रेंड, आज संडे था और मेरे बाबा का ऑफ था और मामा भी फ्री थी, तो हम सारे ज़रूरी शॉपिंग के लिए मॉल चले गए। फ्रेंड्स, मॉल में तो बहुत रश था। जब हम लोग सफाया पहुँचे तो सफाया का तो सफाया हुआ था, कोई एक सूट रैक पे नहीं था, मामा को इधर से कुछ नहीं मिला। और फ्रेंड्स, इसी वजह से ये सब हो रहा है क्योंकि 14 अगस्त की सेल्स लगी हुई हैं। उसके बाद हम लोग गए जे डॉट, और फ्रेंड्स जे डॉट पे भी बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं जैसे सेल्स लगी हुई हैं। और मेरी मामा को इधर बहुत सारे सूट्स पसंद आ गए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीद भी ली।
तो फ्रेंड्स बहुत सारे शॉपिंग करने के बाद हम लोग आगे KFC और इधर से हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। फ्रेंड्स तो अब जो रात के 10 और मेरे मामा के साथ मैं बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने उनको बोला मामा मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो मैंने मामा के लिए चाय बनाई है। और फ्रेंड्स कल हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। फ्रेंड्स कल का भी हम आपको ब्लॉग दिखाएंगे कैसे हम लोग तैयार होते हैं और कैसे हम लोग स्कूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।